सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज अभी बज रहे हैं, सुबह हो रही है, बज रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगी। तो मेरे पापा तो ऑफिस चले गए, मम्मी और दीदी को कुछ काम था, तो मम्मी दीदी भी आज चले गए हैं और वो 4-5 बजे से पहले नहीं आएंगे जहाँ तक कि मैं सोच रही हूँ। और मम्मी दीदी मेरे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा छोड़ के गए हैं पीछे घर में। मतलब इतना प्यार कोई कर सकता है आपके पेरेंट्स से, तो ये है वो तोहफा। ये मेरा पूरा घर मेस पड़ा हुआ है और सिर्फ मम्मी और दीदी को जाना था, बट फिर भी उन लोगों ने बहुत मेस क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट किया हुआ है। और ये मेरा रूम, कपड़े नहीं मिलते तो डायरेक्ट सब उतार दो, यहाँ से उतार दो। अब बारिश हो रही थी तो इस वजह से तो ये तो अंदर ही सूखेंगे। पर ये वाला रूम भी मेरा बहुत गंदा है, बाहर वाला बेड मेरा बहुत गंदा है, लैपटॉप टेबल मेरी बहुत गंदी है, मैं खुद अभी नहाई नहीं हूँ, बहुत गंदी हो रही हूँ। प्लस ये मम्मी वाला रूम भी बहुत ज़्यादा गंद मची हुई है और मेरा दिमाग सड़ रहा है, अभी सही बता रही हूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। दूसरा ही दुख ये है मेरी लाइफ में कि खुशहाली अभी सो रही है, दुख ये नहीं है वो सो रही है, दुख ये है कि वो अभी उठेगी एंड देन उसको स्कूल जाना है, मुझे उसके लिए पास्ता पैक करके देना है क्योंकि 10th में आज उसका लास्ट डे है। और उसके फ्रेंड्स ने बोला है कि आज हम लोग ना ऐसे पार्टी वार्टी करते हैं, ये देख लो आप ये कुर्सी तक कितनी भरी हुई है, पार्टी वार्टी करते हैं और कुछ घर से अच्छा बना के लाएंगे और थोड़ा बहुत पैसा लेके आएंगे। बच्चे हैं स्कूल के, क्या करेंगे, तो मुझे उसके लिए पास्ता बनाना है, प्लस मुझे पूरा घर ठीक करना है। उसके जाने से पहले ही मैं कोशिश करूँगी मैं सब ठीक करूँ। देन ये किचन, ये देख रहे हो आप, ये सब इतना फैला हुआ है। बताया कि आपको उन लोगों को जाना है, तो मैं अभी क्या करूँगी, अगर मेरी मम्मी घर पे होती तभी वो देख रही होती अपना अनुपमा और गुम है किसी के प्यार में, तो आज वो नहीं है और फिर वो मैं उस टॉर्चर से भी बच गई। मतलब उसके सामने ये घर का टॉर्चर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हो, उसके सामने कुछ भी नहीं है, उनके लेम डायलॉग्स, बड़े बड़े भाषण। एक सेकेंड रिमोट, क्योंकि खुशहाली को नहा करके जाना है, मैं तो कभी भी नहा लूँगी। सो रिमोट ढूंढते हैं भैया, रिमोट ढूंढना इम्पोर्टेंट है।
अभी मैंने ये बाहर का रूम मतलब ये गीले कपड़े से सुखा रही हूँ, ऐसा ही होता है यार। सो मैंने ये बाहर का रूम ठीक कर दिया था, लैपटॉप ठीक कर दिया, अंदर का रूम ठीक कर दिया, बट जो मैस है जो इसमें है वो मैं अभी करूँगी खुशहाली का लंच प्रिपेयर करने के बाद, क्योंकि खुशहाली को अभी स्कूल जाना है और उसने टोटी ऑन कर दी है यार, तो अभी मैं उसका लंच बनाने के लिए। ये रहा मेरा यम्मी यम्मी पास्ता, अभी 12:15 बज रहे हैं और अब मैं खाने जा रही हूँ। मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक, कुछ भी नहीं, और अब मैं खा रही हूँ। और खुशहाली की तो पूछो ही मत, खुशहाली का ना पेपर चल रहा था पिछले महीने, हम लोगों ने फीस दी थी एडवांस, वो फीस उसने यूज़ नहीं की, उसको 4:30 बजे जल्दी आता है, 5:30 बजे छुट्टी होती है। तो क्या हुआ कि खुशहाली के ना वैन में नहीं जाना, उसको वो कह रही कि अब तुम न्यू फीस भरो तो मैं जाऊँगी। तो हमने तो पहले फीस भरी जिसमें आप एक बार भी नहीं गई, मिस खुशहाली मैडम 6 पेपर में आप गई नहीं, उसके पहले आपको जाना नहीं, उससे पहले आपको वास्ता नहीं स्कूल कैसे जाना है, क्यों जाना है, घर पे पड़े रहना और बस पड़े रहना, ऑर्डर चलाना, ये है मेरी बहन का काम। मैंने उसे बहुत प्यार से पास्ता वास्ता बना के दिया, मैंने बोला चल वैन वाले भैया से बात हो गई, उन्होंने बोला हाँ एक दिन के लिए आप भेज दो। नहीं, वो भागती हुई अपना DTC पकड़ के गई है, भागती हुई, और मैं रो रही हूँ गली में कि भाई मत जाए, अकेले कैसे जाएगी, बिकॉज आई एम नॉट रेडी एट, और मेरा घर में काम पड़ा हुआ है, मैंने अपना आधा काम छोड़ करके उसके लिए पास्ता बनाया यहाँ पे, मैंने क्यों बनाया मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, मैं सबसे बड़ी गधी हूँ, पता है मेरे घर में प्रॉब्लम क्या है, मैं सबसे बड़ी गधी हूँ, ये है मेरी प्रॉब्लम। उसके बाद और मैं कहूँगी इसमें खुशहाली की गलती नहीं, इसमें मेरे पेरेंट्स की गलती है, मेरे मम्मी पापा की, उन्होंने खुशहाली को इतना फालतू सर पर चढ़ा रखा है, इतना फालतू सर पर चढ़ रखा है। वो खुशहाली के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वो खुशहाली के लिए एक समोसा ला के देंगे और मेरे को, दीदी को, इवन यश को भी एक समोसा देंगे, तो हम 3 के लिए एक समोसा और खुशहाली के लिए एक समोसा। अब खुशहाली की मर्जी है कि वो एक समोसा हाफ करके एक जने को देती है, वरना हम एक तीनों जने एक ही समोसे में खाएंगे, ऐसा होता है कभी कभी, या फिर पापा कभी वेफर लाते तो कहते हैं ओ छुओ मत, वो खुशहाली के लिए। घर का सारा काम मैं दीदी करते हैं, बट जो प्रायोरिटी जो सब कुछ होता है वो मम्मी पापा खुशहाली को देते हैं। इवन हमारे घर में लड़का लड़की में बायस नहीं होता, हमारे घर में लड़की लड़की में ही इतना हो रहा है, इवन पापा भी खुले मुंह कहते हैं कि खुशहाली उनकी बेटी है, हम नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं जितना खुशहाली है। साफ बात, मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्यों बोलूँ, मैं इतना अभी पिस्ड ऑफ हूँ इस सिचुएशन में कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो एकदम करेक्टली सच बोल रही हूँ। और उस साथ चढ़ा रखा तो भाई चढ़ाया है तो अब आप ही झेलो, मैं तो नहीं झेल सकती, क्योंकि मैंने इतना उसके पीछे अप डाउन किया है, मुझे लगा वो शांति से वैन में चढ़ जाएगी, बट वो नहीं गई, और क्योंकि वो इतनी बिगड़ी हुई है, वो इतनी ज़िद्दी है,
तो DTC में गई है, उसके पास फोन नहीं है, उसके पास कैश नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास पैसा ही नहीं है, आप समझ रहे हो, उसके पास 10 रुपी नोट भी नहीं है। मेरी मम्मी ने सिर्फ पास्ता मंगाने के लिए मुझे 20 रुपये दिए थे, 15 का पास्ता आ गया, 5 रुपये का मसाला आ गया, ठीक है। तो मम्मी ने एक एक्स्ट्रा पैसा दिया ही नहीं कि मैं उसे दूँ, और वह मैं प्रिपेयर भी नहीं थी कि वह जाएगी ऐसे, बट मम्मी भी कहीं भी जाती तो मम्मी मुझे गिन के एक पैसा दे के जाती है कि आप इतने पैसे लो, और उस वो पैसा मेरे लिए नहीं होता, वो पैसा होता है सामान खरीदने के लिए जो कि वो उसमें खर्च हो जाता है, बट मम्मी इमरजेंसी नोट नहीं देती, जस्ट बिकॉज मम्मी को लगता है कि मैं खा जाऊँगी। सो मम्मी एक बात और बोलनी है कि आपकी जिद्दी बेटी मेरे साथ रहती है तो सिचुएशंस कैसी भी हो सकती हैं। और पापा तो फ़ोन पे मैं अगर मम्मी से मिसबिहेव करूँ, मैं अगर मम्मी से कुछ लड़ाई करूँ तो पापा करके मुझे जूते चप्पल बेल्ट से मार देते हैं, ये बहुत नॉर्मल है हमारे घर में, इसमें कोई ऐसा नहीं है, मार देते हैं। बट अगर सेम चीज़ खुशहाली है या यश करें तो वो हमारे घर में कोई बड़ा मैटर नहीं होता, वो पापा बस मैं अगर कुछ बोल दूँ तो मम्मी के लिए बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है, मम्मी तभी फोन लगाती थी, बट इतना सब हो गया मम्मी को कोई मतलब नहीं है, तो ओके दैट्स गुड। मैंने सोचा पहले अपना काम खत्म करूं फिर मैं खाना खाऊं, बट मैंने बोला कि पहले खा ही लेना चाहिए क्योंकि मुझे अब चक्कर आ रहे हैं। खुशहाली भी उठी थी 5 बजे, मैं भी उठी थी 5 बजे, हम लोगों ने पढ़ाई की, हम 7 बजे सोए, उसके बाद खुशहाली 7 बजे सोने के बाद उठी 10:15 बजे, जो कि मैंने उसे लात मार करके उठाया तब वो उठी। मैं उठी 7 बजे सोने के बाद 8 बजे, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी थी, ये सब्जी बनाई है मैंने जो कि उसने खाई नहीं, उसने पास्ता ही खाया। मैंने सब्जी बनाया, मैंने पास्ता बनाया, मैंने घर साफ किया, और मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं झूठ बोलती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, और मेरा बिल्कुल भी कंटेंट नहीं था, बट फिर भी मुझे मुझे इतना मेरा माथा ख़राब है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा माथा झन्ना रहा है, इतना मन कर रहा है खुशहाली आ जाएगा, कंटा दूंगी ना उसे। पास्ता बहुत अच्छा बनाया, खाके मिलती हूँ। आ चुकी थी नहाने के बाद, मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक अपना पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी बुक्स को भी साइड में से सेट वेट कर दिया है। आई नो पढ़ाई करने के बाद मैं ताज़ा फील तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं और ज़्यादा लो फील करती हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि खुशहाली स्कूल पहुँची कि नहीं पहुँची, वो फर्स्ट टाइम ऐसे बाहर गई है, मेरा तो दिमाग ऐसे ख़राब हो रहा है। तो यश के आने का टाइम हो गया, काफ़ी सारा पास्ता रखा है, तो यश पास्ता तो खाएगा नहीं, मतलब वो खाएगा बट इतना सारा तो नहीं खाएगा, लंच चाहिए। तो लंच में क्या है कि ना हमारे घर में ना 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि चावल बहुत बच रहा है, तो बहुत सारा चावल हो गया है, ये देख रहे हो, इतना ही नहीं है, मतलब एक कटोरा चावल नहीं है, एक कटोरा होता तो फिर कोई बात ही नहीं होती। देर आर लॉट्स ऑफ राइस इन लॉट्स ऑफ दिस, ये रहा, होता ये है ना कि चावल वाला टाइम, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है, हमारे पापा कहते हैं कभी चावल खाएंगे,
तभी कहते हैं रोटी खाएंगे। तो जिस दिन वो रोटी खाते हैं उस दिन कहते हैं, जिस दिन उनके लिए रोटी बनते हैं वो कहते हैं चावल, जिस दिन वो चावल बनाते हैं हम लोग उनके उस दिन कहते हैं वो रोटी। तो ये सब चलता रहता है हमारे घर में। हे भगवान जी, हे भगवान, कितना चावल है। अब मुझे ये भी चेक करना है कि कौन सा चावल अच्छा है कौन सा चावल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं सारा चावल थोड़ी ना ऐसे बना सकती हूँ। है इसमें है, इसमें है, इसमें दाल है, चावल 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 कड़ी। चावल। सोच रही हूँ कि मैं चावल को फ्राई कर दूँ ताकि यश है तो गर्मा गर्म चावल खा ले। उसको पहले मैं मैक्रोनी दे दूँगी। और मेरे फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म है बिकॉज मैं फ़ोन से ही पढ़ रही थी अपने, तो उसको चार्ज भी कर देते हैं। देखती हूँ यार मैं किस टाइप का चावल बना पाऊँगी कि मतलब क्या क्या समझ। तो मैं बहुत सिंपल सा खाना लेके बैठी हूँ, देर राइस करी थोड़ा सा ऐसे तरी ले लिया मैंने, मुझे खाने का मन भी नहीं कर रहा सच्ची कहूँ तो। को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है खुशहाली की। बट मैं सोच रही हूँ, मैंने मम्मी को मना तो कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी उसे लेने, पर मैं सोच रही हूँ कि यार मैं जल्दी से अपना काम वाम निपटा के थोड़ा सा आराम करके फिर काम निपटा के फिर सोच रही हूँ जाऊँ। सो अभी मैं लंच कर रही हूँ। तो फटाफट से लंच में कंप्लीट करती हूँ। तो अभी ना मैं देख रही हूँ यहाँ पे एंग्री बर्ड, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से कार्टून मूवी देखने का मन कर रहा है। सो अभी मैं एंग्री बर्ड देख के आपसे मिलती हूँ। तो अभी रात हो रही है और घर में सब आ चुके हैं, घर एकदम हरा भरा हो गया है। वैसे तो ऐसा लगता है कि सब लोग चले जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको स्टार्टिंग के 15-10 मिनट अच्छा लगता है, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और स्पेशली जब आपके पास पैसे ना हो तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं। सो अभी ऐसा है ना कि क्या बोलती थी, तो हमारे घर में छोले बन रहे, दीदी बना रही बहुत यमी छोले बन रहे। और मैं सच्ची बताऊँ मैं बहुत थक गई थी और फिर भी मेरे से बहुत सारे काम ऐसे थे। फाइनली मैं ये मैं बोलूँ कि खुशहाली सही सलामत चली गई थी, सही सलामत आ गई थी। माता रानी की बहुत अच्छी कृपा है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि खुशहाली कैसे जाएगी कैसे आएगी। और वो 6:30 बजे तक ऑलमोस्ट घर आ जाती है, बट आज 7 बज गए हमारे, तो एकदम कहते हैं ना त्राही त्राही डोल गई हमारी। एंड फिर अब आ गई, माता रानी की बहुत असीम कृपा है। सो अभी के लिए यहीं पर ब्लॉग खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कौन दो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया, कमेंट किया करो यार। उसके बाद स्टे विद मी स्टे विद केपीसी ब्लॉग्स। बाय बाय।